सो गाइज वेलकम टू द सेकेंड पार्ट और यू कैन से यू नो मैंने कंटिन्यू किया है. अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा ये रहा जहाज. ठीक है, अल्लाह करे हम साथ खैरियत के पहुंच जाएं. जब आप लोग ये ब्लॉग देखोगे तो हम लोग कब के पहुंचे हुए होंगे. तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा वो जिससे डोले शोले वो जिससे मन मेरे डोले वो जो मुझे प्यार करेगा. चलो भाई बिस्मिल्लाह. नहीं अभी तो तेज भी नहीं चला यार. मामा ने पहना है, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड है. फ़ोन की बैटरी बहुत कम है. मामा के फ़ोन से आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी. लेट्स गो. इधर से फ्री सिम ले रहे हैं, इसने हमें बताया है 1 वीक के लिए. इस जस्ट 15 लारे का है, 15 लारे का. तो ये हमारा टूर गाइड बड़ा अच्छा है, हमें अच्छे से गाइड कर रहा है. गाइस, ओह माय गॉड, इतने ठंड का वी आर सो एक्साइटेड. और पता है मैंने नींद पूरी की है, मैंने नींद पूरी की, मैं सो रही थी पता है. और अभी मैं जाऊंगी और बस जाते ही चेंज करूंगी और देन हल्ला बल्ला होने लगा यार. ऑर्डर फॉर यू. डन. लाइक इफ आई वांट हलाल फूड दे विल ऑर्डर फॉर मी फ्रॉम द रिसेप्शन. या यू कैन आस्क. आई कैन नॉट ऑर्डर विद एप्लीकेशन और समथिंग एंड दे कैन हेल्प यू एंड दे ऑर्डर फॉर यू. डन. परफेक्ट. So this is the carry for? Yeah. And I can buy anything? Everywhere. Everything you can buy there. Okay. And till when it's open? What time? It's open maybe 10 until 10 or 11. I don't know. Maybe 24 hours. Sometimes it's open. Sometimes. So my hotel is where? Near is 200 meters. 200 meters. Okay. So we are near to our hotel now? Yeah. Oh wow. Also I want to ask you one thing, if we walk here like after some time or something in late night also, is it safe? Yeah. It's safe, right? Yeah, safe. Okay. Because I'm scared my sister, maybe someone kidnap her, take her. Here it's very safe. Okay.
सो गाइज ये हमारा अभी होटल आएगा और हमारे होटल से बहुत करीब है कैरीफोर भी, बिकॉज मैं ये डर रही थी कि यार मुझे मतलब चीज़ें लेनी है खाने पीने की तो क्या करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरीफोर मिल गया और उसने यही बोला कि कैरीफोर इज द बेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा. सो दिस इज माई होटल. वाओ ब्यूटिफुल गाइस, मेरा होटल चेक करें, मतलब ओह माय गॉड इतना प्यारा होटल. अभी आप लोगों को पूरा दिखा रही हूं. गाइस अभी हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं, हमें अपना रूम का पास मिल गया और लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस माय रूम. बिस्मिल्लाह, ये हमारे ही जा रहे हैं ना. हां हमारे, इसको पीछे करो क्या गाइस, ये हमारा रूम है और हम इसको ऐसे ओके बिस्मिल्लाह. ये रहा हमारा रूम और ये रहा जो मैंने कहा था, कहा था उसको कि व्यू अच्छा देना. वाओ ब्यूटीफुल यार, ये पता नहीं किस इन लोगों ने ये घर बनाए हुए, मतलब समझ नहीं आ रहा, पहाड़ियों पे घर बनाए हुए और वो गारे भी निकाली हुई है, ये देखो पता नहीं शिप भी चल रही है. एनीवेज गाइस, सो ये हमारा क्यूट लिटिल रूम है विच इज अमेजिंग, इधर पेंटिंग भी है. ओए होए गाइस, अभी हम होंगे फ्रेश एंड देन थोड़ी देर में हम निकलेंगे बाहर चेंज वेंज करके एंड देन आई शो यू गाइस कि हम लोग अपना पहला दिन तबलीसी में कैसे स्पेंड करें, क्योंकि हमारा टूर स्टार्ट होगा कल से, क्योंकि आज हमारा रेस्ट का डे, लेकिन हम रेस्ट नहीं करेंगे, हमने एरोप्लेन बड़ा रेस्ट कर लिया, सोए हम लोग मजे से. क्यों जुआ गाइज, ये मैंने खोला है और यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, उफ वो करना है मुझे. उफ 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 ठंडे भैया, ठंडे बहुत ठंडे, जो अंदर चढ़ा सकते. ये मेरा आउटफिट है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी रेस्ट कर लिया था वहां पर एरोप्लेन में, तो हम लोग सो गए थे, तो अभी हम पूरे रिफ्रेश अच्छे से मतलब, तो अब हम नीचे जाएंगे, हमें कैरीफोर जाना है, कुछ चीज़ें सामान लेना है और देखना है, एक्सप्लोर करना है कि कैसा है भाई, क्या है, थोड़ी सी वीडियोस पिक्चर्स बनानी है. सो लेट्स गो. ये मैंने भाई उसी में अपना कैमरा लगाया हुआ जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना पिछले ब्लॉग में, जो मैं लगा रही थी सही कर रही थी, तो ये वही है और ये बहुत प्यारा है, अमेजिंग. और मेरा आई मेकअप आप लोग देख लो, ठीक है, आप लोगों को अभी पूरा ड्रेस दिखाया. इधर हालत खराब हो चुकी है, मैंने मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ठंड लगेगी मुझे और इस्मा को, इस्मा ने इतना ज्यादा पहना है इसलिए उसको ठंड लग रही है, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, जल्दी से जैकेट्स लेंगे एंड देन दोबारा दे लाइक हाथ अम्मी को अम्मी ये हजुरामा की दी. अच्छा सही है, चलो चलो भाई जल्दी जल्दी आओ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब, कैसी तबीयत है? तो आपने पिछली वीडियोज में देखा आई वॉज सो हैप्पी. कुछ प्लान्स होते हैं जो हम लोग करते हैं और कुछ प्लान्स होते हैं जो कुदरत करती है, जो अल्लाह ताला ने किए हुए होते हैं. मैंने प्लान किया था 6 डे ट्रिप, लेकिन वो सिर्फ 5-6 घंटे में जॉर्जिया में ठहरी हूँ, उसके बाद एमरजेंसी में हम लोग वापस दुबई आ गए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि वाई मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक छोटी तकलीफ़ दे के बड़ी तकलीफ़ से बचाया है. हमें नहीं पता होता कि अल्लाह के कामों में क्या होता है, हर चीज़ में अल्लाह की मसलियात होती है, हर चीज़ में. सो यप अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिज़िकली फाइन, आई हैव फ्यू इंजरीज, आई ब्रोक माई नेल एज वेल, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह. बट गाइज यू नो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो इट विल टेक 3-4 डेज, क्योंकि मैं फिज़िकली इतना नहीं ट्रॉमेटाइज्ड हुई हूँ, मतलब फिज़िकली मुझे इतना नहीं लगा है जितना मुझे मेंटली मैं ट्रॉमेटाइज्ड हुई हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा, मैंने कभी खुद को ऐसे नहीं देखा, बस यही वजह है. और इज़मा इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी एंड मतलब मुझे कुछ भी करने के लिए ना किसी की ज़रूरत पड़ रही है. लाइक अभी मैं स्टेबल नहीं हुई हूँ, मैं मतलब खाना भी खाना है तो इज़मा खिला रही है, टॉयलेट जाना है तो इज़मा लेके जा रही है, तो हर एक चीज़ के लिए. मेरी सांस भी फूल जाती है बात करते करते. सो गिव मी 3-5 डेज कि मैं ठीक हो जाऊँ, वही एनर्जी लेकर आ सकूँ. कितनी बुरी लग रही हूँ ना मैं, लेकिन अच्छी लग रही हो.
तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज. पिछले व्लॉग में इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे एंड आई वाज सो हैप्पी आप लोगों को जॉर्जिया दिखाने के लिए. मुझे स्नो के साथ खेलना था. Soon we will visit once Ayapi is doing better. We will visit Georgia and different countries again and again. Inshallah, inshallah, inshallah. एक और चीज़ है, नज़र इज़ रियल. मैं नज़र पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, करती थी, करती रहूँगी. नज़र इज़ रियल. आप लोगों के सामने है, हमने 50 के क्रॉस किए मैंने और आयुष ने. देन 1 million हुआ हमारा. देन उसने 80 के क्रॉस किया. देन मैंने 100 के क्रॉस किया. देन मुझे इतनी जल्दी वेरिफिकेशन टिक मिल गया. अभी वो 100 के क्रॉस करेगा. सो आप लोग तो मुझसे प्यार करते हो, बट बहुत सारे लोग हैं जो दिल में हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, अच्छा नहीं बोलते. तो नज़र तो लगती है जो लग गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 जान की हिफाजत है. मैं जिंदा हूँ. मैं जिंदा हूँ. वो वेलकम मूवी में नहीं बोलती है, ये तो जिंदा है. वही चीज़ है कि मैं जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी मैंने सोचा जितना व्लॉग बनाया है आप लोगों को दिखा दूँ, वरना वो जाया जाएगा. तो यही बात है बस. 4 दिन तो मैं पूरी गायब थी, पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अभी थोड़ा माइंड ठीक हुआ है तो सोचा आप लोगों से बात करूँ. YouTube पे लगा दूँगी तो सबको पता लग जाएगा. इंशाल्लाह स्लोली स्लोली आप लोगों के लिए से आ जाएगी वापस. ठीक है, फिर वही इंटरटेनमेंट, वही हला गुला, हंसी मजाक होगा. आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना. इतने सारे मैसेजेस ओफ, मतलब अल्लाह आप लोगों को खुश रखे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. आई नो आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, मैं तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. मुझे नहीं पता है कि मेरी कौन एडिट करके लगाएगा, या तो इस्मा लगाएगी या तो अब्दुल वासी लगाएगा. तो अगर इनकी एडिटिंग में थोड़ा सा मसला हो जाए तो इनको वो कर देना बेचारों को. बाकी प्लीज़ प्लीज़ डू प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली. इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद बैंग. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. हमें क्या बोली थी, आयुष भी सैड सैड हो जाता है. जब आप लोग सैड सैड हो जाते हो तो आप लोग खुश खुश आ करो, तो वो भी खुश खुश रहेगा. फिर जब वो खुश खुश रहेगा तो हम सब खुश खुश रहेंगे. वैसे भी उसका 100 के देखो कितना डिले हो गया सिर्फ मेरी वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हम उसका 100 के भी करेंगे. और उसकी म्यूज़िक वीडियो भी आ रही है और फिर उसकी शॉर्ट फिल्म भी आ रही है. तो फिर अब कोई उदासी नहीं होगी. ये लास्ट उदासी थी है ना इसमा? Exactly. ये लास्ट उदासी थी, उसके बाद अब सब खुशी 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 होगी इंशाल्लाह. चलो गाइस अपना ख्याल रखना. आई लव यू ऑल सो मच. मैं तो आप लोगों को हग भी नहीं कर सकती, टुंडी हो गई हूँ मैं. बाय गाइस, बाय.